ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा खानप्रिया। वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी शिखर धवन अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में अपना कमाल दिखा ही दिया था। उन्होंने दूसरे मैच में अपना वर्ल्ड का पहला शतक बना लिया था, जिसमें उन्होंने 117 रन बना लिए थे, लेकिन इसी मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिस वजह से वो फील्डिंग पर भी नहीं आए थे। लेकिन अब हाल ही की खबरों के मुताबिक शिखर धवन अपनी चोट के चलते भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं। उन्हें करीब 3 हफ्ते के लिए बाहर किया गया है। धवन अब 3 हफ्ते तक कोई मैच नहीं खेल पाएंगे, यानी 13 जून को न्यूजीलैंड और 16 जून को पाकिस्तान से होने वाले मैचों के पहले ही टीम इंडिया को ये झटका लगा है। बता दें कि उन्होंने रविवार को हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की मैन ऑफ द मैच रहे शिखर की बैटिंग के वक्त गेंदबाज नॉर्थन कुल्टन नाइल की बॉलिंग से उन्हें चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी चोट की परवाह न करते हुए शतक बनाकर 117 रनों की पारी खेल ली थी। धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर है, नॉटिंघम में स्कैन के बाद ये पता चला। हाल ही में सामने आ रही खबरों के मुताबिक अब वर्ल्ड कप के मैच में शिखर धवन की जगह दिनेश कार्तिक खेलेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।